पानी से भरे बक्से में कैद लड़की अब मर चुकी है और सारे बच्चे ये देख करके डरे हुए हैं। तभी एक आदमी स्कूल से भागने की बात करता है, जिसके बाद सारे बच्चे टीचर से बगावत करके स्कूल से निकलने के लिए दौड़ लगा देते हैं। मगर गेट पे पहुंचते ही वो सभी अचानक से रुक जाते हैं, क्योंकि वो आदमी जो सबसे पहले स्कूल से जाने के लिए निकला था वो खून से लथपथ होकर के वापस आया था और अब उसकी भी मौत हो चुकी है। और अब यहाँ सारे लोग समझ चुके हैं कि स्कूल से बाहर जाना आसान नहीं है और अगर कोई गया तो उसकी मौत निश्चित है। दोबारा से एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें उन्हें बताया जाता है कि अगर वो दोबारा ऐसा कुछ करते हैं तो वो सभी मारे जाएंगे। साथ ही दूसरे क्वेश्चन के लिए उन्हें एक ऑडियो सुनाई जाती है। तभी उन सभी के कान में किसी के चिल्लाने की आवाज पहुंचती है। ये उनका दूसरा क्लासमेट होता है और अब उसकी जान दांव पर है। उसकी आवाज से साफ पता चल रहा होता है कि उसे कितनी बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था। सारे लोग आंसर ढूंढ रहे हैं, पर क्या वो सभी इस लड़की को बचा पाएंगे? आखिर कौन ले रहा था ये खतरनाक टेस्ट और क्यों? जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में।